पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और प्यार बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब इन दोनों में कमी आ जाती है तो उनके बीच दूरियां आ जाती है। ऐसे में पति पत्नी दोनों बाहर किसी पार्टनर की तलाश करने लगते हैं। बहुत सारी शादियों के टूटने की वजह दोनों में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पता करें कि आपकी पत्नी धोखेबाज है या नहीं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो खोलते हैं धोखेबाज पत्नी के राज। दोस्तों, अगर अपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो लेके आए आपके नोटिफिकेशन में। इमोशनल दूरी। हर महिला अपने पार्टनर के साथ इमोशनल रूप से जुड़ी रहती हैं। पत्नी के धोखेबाज होने की सबसे पहली निशानी यह होती है कि वह इमोशनल तौर पर अपने पार्टनर से दूरी बना लेने लगती है। अगर आपकी पत्नी भी आपसे इमोशनल कनेक्शन खत्म कर दूरी बनाना शुरू कर दे तो समझ ले कि वह किसी और के साथ जुड़ रही है। शारीरिक संबंध बनाने में आनाकानी। अगर आपकी पत्नी शारीरिक संबंध बनाने में आनाकानी करने लगती है तो इसके पीछे का कारण पता लगाएं। ऐसा भी हो सकती है कि इसके पीछे कोई वजह हो, पर ज्यादातर महिलाएं तब ऐसा करती हैं जब उनकी दिलचस्पी किसी और में हो। ऐसे में आप समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अलग अलग रहना। महिलाएं ज्यादातर अपने पति के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। अगर आपकी पत्नी अचानक से अकेले समय बिताना पसंद करने लगे और अलग अलग रहने लगे तो ऐसे में समझ ले कि दाल में कुछ काला है। बात बात पर झगड़ करना। अगर आपकी पत्नी बात बात पर आपसे झगड़ा करती है या फिर आपकी बातों को अनसुना करती है तो आप ये समझ ले कि वो आपसे दूरी बनाना चाहती हैं। किसी भी छोटी बात पर झगड़ा करने का मतलब दूरी बनाने का बहाना ही होता है। बातों को छुपाना। महिलाओं में बात को पेट में छुपाना आसान नहीं होता, खासकर पति से पत्नी कोई बात नहीं छिपा पाती हैं। अगर पत्नियां अपनी बात को पति से छिपाने लगे या फिर घुमा फिराकर बात करने लगे तो समझ ले कि वो आपको धोखा दे रही हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे और अपने दोस्तों को भी शेयर करे, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।